हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ब्यूटीफुल यू। प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जैतून का तेल। जैतून का तेल के लिए मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं जानती कि आपके हेयर की लेंथ कितनी है, इसलिए आप अपनी हेयर के लेंथ के हिसाब से ही जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए। मैंने 10 चम्मच लिया है क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है, आप अपनी चम्मच के हिसाब से देखिएगा। उसके अलावा मैंने 2 चम्मच शहद लिया है, ये भी आप अपने हेयर की क्वांटिटी के हिसाब से देखिएगा। उसके अलावा जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो हमें लेना है दालचीनी। जी हाँ, ये है दालचीनी का पाउडर, एक गरम मसाला। इसको आपको पीसना है और 1.5 टीस्पून इसमें आपको डालना है। मैंने अपने हेयर के हिसाब से लिया, आप 2 स्पून भी ले सकती हैं अगर आपके हेयर लंबे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है 2 पार्टीशन में लेकर। वो आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आप तो जानते ही हैं जैतून के तेल के फ़ायदे बालों के लिए कितने हैं, कि ये आपकी रीग्रोथ करता है, बालों को मॉइस्चराइज करता है। जैतून का तेल लगाने से आपके बालों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ये आपके बालों को धीरे धीरे परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी देता है, कुछ ही लोग इस बारे में जानते हैं। उसके अलावा आप इसमें दालचीनी है, आप दालचीनी के फ़ायदे जानकर हैरान रह जाएंगे। ये आपके बालों को रीग्रोथ देती है और ये एक स्कैल्प क्लिंजर के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ये आपके बालों को लाइटन करता है। आप जानते हैं अगर आप कंटिन्यू दालचीनी का यूज़ करेंगे तो आपके बालों का कलर चेंज हो जाएगा। उसके अलावा इसमें मैंने हनी डाला है, हनी तो बालों को सॉफ्ट और शाइन देता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आप यकीन नहीं करेंगे। इतना अमेजिंग रिज़ल्ट है, इतने सॉफ्ट स्ट्रेटन हेयर कर देता है कि आप देखते रह जाएंगे। पहली बार में इसका रिजल्ट आता है। आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है बालों में, स्कैल्प में मसाज नहीं देना है क्योंकि गरम इसमें दालचीनी पड़ी है। दालचीनी थोड़ी गरम होती है, उसका तासीर गरम है, इसलिए आप दालचीनी को ज़्यादा मसाज ना करें, सिर्फ ऊपर लगाएं और इसको बालों को फोल्ड करके छोड़ देना है। आपको तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए छोड़ना है, उसके बाद इसका रिज़ल्ट जो आप देखेंगे वो आप मेरे साथ पक्का शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।